टी20 वर्ल्ड कप जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे आईपीएल का हर मुकाबला इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सूत्रों की माने तो 30 अप्रैल या 1 मई को बीसीसीआई के जो सीनियर सिलेक्शन कमिटी के मेंबर्स है यानी कि सिलेक्टर्स हैं, उनकी मुलाकात होगी और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अब ये खबर आ रही है कि 2 खिलाड़ियों की एंट्री जो है वो तय हो चुकी है और 2 खिलाड़ियों की एंट्री पर अब संशय बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ संजू सैमसन जो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं, उनका प्रदर्शन बल्ले से शानदार था और इसके अलावा रियान पराग भी इस साल आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में इन दोनों को ही मौके दिए जाएंगे। लेकिन किसकी जगह आएंगे ये खिलाड़ी? अगर संजू सैमसन की बात करें तो संजू सैमसन तो जो है वो दूसरे विकेट कीपर के तौर पर टीम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा जो बीसीसीआई के सचिव है, सेक्रेटरी है, उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर ऋषभ पंत फिट हो जाते हैं, अच्छे फॉर्म में रहते हैं, तो वो जरूर जो है इस वर्ल्ड कप को, टी20 वर्ल्ड कप को खेलेंगे। लेकिन संजू सैमसन के परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि वो ऋषभ पंत से कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं और टी20 वर्ल्ड कप में 15 में तो छोड़िए 11 में भी जगह बना लेंगे। दूसरे खिलाड़ी की बात करूं तो दूसरा खिलाड़ी जिसकी बात अब लगातार हर सर्किट पर हर रोज हो रही है वो है रियान पराग। लंबे समय से इनको मौके मिलते रहे थे लेकिन ये उस लिहाज से परफॉर्म आईपीएल में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है रियान पराग फॉर्म में आ गए हैं और एक के बाद एक शानदार पारियां आईपीएल 2024 में खेल रहे हैं। तो इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रिंकू सिंह और रियान पराग के बीच भी कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। तो अगर इन दोनों ही बल्लेबाजों की बात करें तो आईपीएल में जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबला हुआ वहां पर इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ना सिर्फ राजस्थान की पारी को संभाला बल्कि एक बड़े स्कोर के पास भी इन दोनों ने टीम को लेकर गए। इन दोनों के प्रदर्शन की बात करें तो सबसे पहले संजू सैमसन के प्रदर्शन पर नजर दौड़ाइए। संजू सैमसन ने 38 गेंद पर नाबाद 68 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 सिक्स लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 178.95 का रहा। रियान पराग की बात करें तो रियान पराग ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 48 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 3 चौके और 5 सिक्स लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 158.33 का था। तो ये तो इस मुकाबले की बात हो गई जिस मुकाबले में इन दोनों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मैं आपके लिए एक अलग डेटा भी लेकर आया हूं जिसे देखकर आप ये समझेंगे कि क्या संजू सैमसन और रियान पराग टी20 वर्ल्ड कप में ले जाने चाहिए। इस डेटा को तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं लेकिन डेटा देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि इनके आंकड़े जो है ना वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इन दोनों को ही टी20 वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहिए। अगर बात करें संजू सैमसन और ऋषभ पंत के प्रदर्शन की आईपीएल 2024 में, तो आईपीएल 2024 में संजू ने जहां 5 मुकाबले खेले हैं तो पंत ने भी इतने ही मुकाबले खेले हैं। 5 मुकाबलों में संजू ने 246 रन बनाए हैं तो वही पंत ने 153 रन बनाए हैं। अगर अर्धशतकों की बात करें तो यहां पर भी संजू 3 अर्धशतक के साथ आगे हैं तो वही पंत ने सिर्फ 2 अर्धशतक लगाए हैं। स्ट्राइक रेट दोनों का आसपास का ही है। संजू सैमसन ने 157.69 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए तो वही अगर पंत की बात करें तो उन्होंने 156.54 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इसके अलावा रियान पराग और रिंकू सिंह का कंपैरिजन कैसा नजर आता है वो भी देख लीजिए। रियान पराग की बात करें तो उन्होंने इस आईपीएल में 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 261 रन बनाए, 3 अर्धशतक लगाए और 158.18 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया है। तो वही रिंकू की बात करें तो उन्होंने 4 मुकाबलों में जो है वो बल्लेबाजी की है, अब तक 4 मुकाबले खेले हैं यानी कि, और 63 रन उन्होंने बनाए हैं। एक भी अर्धशतक उनका नहीं आया है अब तक और उनका स्ट्राइक रेट 150 का है। ये बात आप जरूर सोच रहे होंगे कि रिंकू सिंह जिनको लगातार पिछले कुछ समय से इंडियन टीम की टी20 टीम में जगह मिल रहा है, क्या उनको बाहर करके एक डेब्यूटेंट रियान पराग या फिर यूं कहें कि एक नए खिलाड़ी रियान पराग को क्या मौका मिल सकता है?
मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में ये रिस्क इंडियन टीम तुरंत लेना चाहेगी, लेकिन अगर रियान पराग इसी तरीके का परफॉर्मेंस लगातार करते रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि जो प्लेन इंडियन प्लेयर्स को लेकर T20 वर्ल्ड कप के लिए रवाना होगी उसमें USA की उड़ान जो है वो रियान पराग भी भरेंगे और संजू सैमसन भी, क्योंकि इनका प्रदर्शन लगातार इस IPL में बेहतर हो रहा है और इंडियन टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए इन फॉर्म बल्लेबाजों की, इन फॉर्म खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।